रियलमी 9 सीरीज़ आ गई। आप लोग जानते हैं रियलमी इस बार जो वो अपने 4 स्मार्टफोन रियलमी लाने वाला है, रियलमी 9, रियलमी 9i, रियलमी 9 प्रो, रियलमी 9 प्रो प्लस। इस वो हम बात करने वाले हैं प्रो के बारे में, 9 प्रो प्लस एंड दोनों के बारे में। तो पूरा देखिए, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रियलमी का जो यहाँ पर रियलमी 9 प्रो एंड 9 प्रो प्लस आने वाला है ना, ये दोनों फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया होने आने वाले हैं और मैं तो पर्सनली इन दोनों का ही इंतजार कर रहा हूँ। रियलमी 9i, रियलमी 9 मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे हैं, बट ये दो फोन जो है 9 प्रो एंड 9 प्रो प्लस, ये बहुत दोनों फोन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये दोनों फोन बहुत ज़्यादा बढ़िया और तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ आएंगे। चलिए बात करता हूँ मैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में। तो इस फोन में जो दोनों में डिज़ाइन जो होगा ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियम होने वाला है। ओप्पो का रेनो 7 प्रो अगर आप लोगों ने देखा जो चाइना में आया है, वैसे ही कुछ आपको लुक देखने मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। मुझे तो फोन का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। डिस्प्ले में जो हुआ आपको 6.55 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, सुपर एमोलेड मिल जाता है, साइड पंचोल मिल जाती है, 120 रिफ्रेशिंग रेट डिस्प्ले देखने मिल जाता है आप लोगों को। तो डिस्प्ले क्वालिटी आप कह सकते हैं बढ़िया और तगड़ी आपको देखने मिल जाती है और यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। देखिए भाई, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में वॉइस आ रही हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, दिन में वीडियो बना रहा हूँ दैट्स वाई था हल्ला बल्ला हो रहा, बट कल से नहीं होगा तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, डिस्प्ले बढ़िया आपको यहाँ पे देखने मिल जाने वाला है। चिपसेट में आ जाता हूँ तो डायमेंसिटी 920 वाला चिपसेट देखने मिल सकता है, जो मेरे हिसाब से मुझे बढ़िया चिपसेट नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ही आप बोल सकते हैं कि वीक लगा, पावरफुल बोलने वाला था बट मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा। अगर ये स्नैपड्रैगन का 778G वाला चिपसेट देते तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात रहती। कैमराज में आ जाता हूँ तो मेन कैमरा आपको यहाँ पे जो है वो बहुत बढ़िया कैमरा मिल जाएगा, 108 मेगापिक्सल का 9 प्रो में एंड 9 प्रो प्लस में बोला जा रहा है 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिल जाएगा सोनी का, बट यहाँ पे सैमसंग का मिलेगा प्रो में। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी बढ़िया हो जाने वाली, 4K रिकॉर्ड कर पाओगे एंड सेल्फी में दोनों में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, 4K रिकॉर्ड उससे भी आप कर पाओगे। बैटरी में यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, टाइप से मिल जाएगा और यहाँ पे प्रो में जो आपको 65 या 67 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, बट प्रो प्लस में 120 या 125 वोट की आपको फास्ट चार्जिंग देखने मिल जाएगी। जैसे रेडमी ने किया ना वैसे ये भी करने वाले हैं। UI में आपको एंड्रॉइड 10 आउट द बॉक्स मिलेगा यानी रियलमी UI के साथ रन करने वाला है। ये पूरा यहाँ पे गाइस रियलमी 9 प्रो 9 प्रो प्लस, डेफिनेटली फ़ोन बहुत ज़्यादा तगड़े बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। बट फाइनली मैं दोनों के प्राइस की बात कर लेता हूँ। प्रो के बारे में बात करता हूँ, 9 प्रो के बारे में तो कहा जा रहा है 20 से 25 हज़ार रुपये बीच में आ सकता है और प्रो प्लस जो है वो आप लोगों को 25 से 30 हज़ार रुपये जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तो नहीं एक्सपेंसिव मैं बोलूँगा, क्योंकि देखिए स्पेसिफिकेशन भी अपग्रेड की गई हैं और बढ़िया बढ़िया चीज़ भी फ़ोन में ऐड की गई है, तो मुझे लगता है प्राइस भी जस्टिफाई करता है एंड डेफिनेटली इंडिया में आने देता है। तो मेरे हिसाब से रेडमी सीरीज़ को भी एक आप कह सकते हैं बीट कर सकता है। आप लोग कमेंट बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में। लॉन्च के बारे में बात कर लेता हूँ तो कहा जा रहा है कि अगले साल मतलब जनवरी के फरवरी या मंथ में आपको दोनों महीने में बीच में देखने मिल सकता है। तो अगर आप लोग इंतजार कर रहे थे तो मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम अब आप लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको कुछ ही दिन या कुछ एक महीना एक डेढ़ महीना इंतजार करना पड़ेगा इस फोन के लिए। तो कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, फिर से मैं लास्ट ऑफ ऑल फिर से मैं कहूंगा बहुत ज्यादा सॉरी गाइस बैकग्राउंड वॉइस के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉइस आई होगी मुझे पता है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो वीडियो बनाने हैं तो इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं देखता, मैं क्वालिटी पर नहीं देखता हूँ, मैं कंटेंट पर देखता हूँ। तो कंटेंट पहले आप लोगों के लिए देन क्वालिटी देखेंगे। तो बता देना कमेंट करके कैसा लगा, और मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके हम वीडियो डालें वीडियो पर मतलब यूट्यूब पर, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वैसे हमने इतनी छुट्टियाँ ले ली हैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई जैसा भी हो वीडियो पर डालना ही आप लोगों के लिए और कोशिश करेंगे कल से एकदम आप लोगों को अच्छे कॉन्टेंट मिले। तो बता देना कमेंट करके रियलमी 9 प्रो और 9 प्रो के प्लस के बारे में आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से बस यही है, इंडिया में जल्द से जल्द रियलमी इसको लॉन्च कर दे एंड अच्छा है, बट 9 और 9i मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा बजट टाइप में जा रहा है, मिड रेंज में जा रहा है, तो वो भी देख लेना, बता देना कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करते हैं डेली वीडियोज़ बनाने के लिए, कोशिश करते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता यार, और बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ भी हुई हैं नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि भाई कॉन्टेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, कॉन्टेंट अच्छा मिलता तो मैं डेली वीडियो बनाता, बट कॉन्टेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई डेली वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। बता देना, एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।